ये आपने देखा करीब 2000 से अधिक दिव्यांग जनों को जो उपकरण उनको चाहिए थे वो दिलवाए गए। आपको ध्यान होगा कि 2.5 वर्ष पहले भी ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में करीब 4000 लोगों को उपकरण बांटे गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रुचि है कि जैसा मैंने अभी बताया कि बजाय विकलांग के अब इनका नाम और सम्मान की दृष्टि से दिव्यांग कहा गया है और हमारे देश के अंदर ये विकलांगता ना रहे इसके दिशा में काम कर रहे हैं और इसकी एक व्यवस्थित योजना भी बनाने का काम हो रहे हैं। तो यहाँ पर जितने लोगों को लाभान्वित किया गया है, इसके बाद भी अगर कोई बचता है तो उसको जो उसके उपयुक्त सहायता है वो की जाएगी, उसमें किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अभी हमने देखा यहाँ पर एक महिला हमको धन्यवाद दे रही थी और अपने दांत दिखा रही थी कि उनके लिए दांत जो है बदले गए हैं। तो हमारी सरकार हर दिशा की चिंता कर रही है और उसके हिसाब से काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि वास्तव में जिस प्रकार से आम जन की सेवा करने का लक्ष्य हम लोगों ने जो लिया है उसमें कहीं कोई कमी ना रहे, उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। सरकार ने तय कराया कि देश के अंदर जो 60 वर्ष से अधिक आयु का हो जाएगा, जिसकी आजीविका का कोई साधन नहीं होगा, उसको हम निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाएंगे। ये हम बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाली 1 तारीख को इस योजना की आपको जानकारी मिलेगी। वो उसमें मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। जब विपक्ष के दलों को ये लगता है कि हमारी कमजोरी है, कमजोरी कैसे दूर करें, इसलिए सब इकट्ठे होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब बाढ़ आती है तो सारे के सारे बाढ़ से बचने के लिए एक ही अम्ब्रेले में आ जाते हैं और बाढ़ उतरते ही सब भाग भी जाते हैं। खबर बरेली की, बरेली से बीटीवी, बरेली की आवाज़।